गुड आफ्टरनून बचाओ। बचाओ, सबको वो मिल गई थी शीट, सबने वो कर ली, ट्राई मतलब देख ली थी। मतलब था तो बिल्कुल डिट्टो सेम है ना सारा कुछ। ओके हाँ बच्चों, इनमें बताओ कोई डाउट्स। सी पार्ट ओके बच्चों, मैं एक बार C7 डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब कर तो लिया होगा, बट चलो जो भी फास्टेस्ट मेथड हो सकता है देख लेते हैं। हमें कहा है कि 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वॉट है, किलो वोल्ट है। हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स हैं, और हमें ये भी बता दिया कि एक कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो अब बच्चों किस तरह हम सोचेंगे, देखो सबसे पहले तो एकदम माइंड में आता है कि अगर 1 से 2 बनानी है तो भाई सिंपल तरीका क्या है कि आप ऐसे पैरेलल में लगा दो, ये फर्स्ट स्टेप आता है माइंड में ना। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया, 1000 वोल्टेज हो गया, हमें चाहिए 400। अब वोल्टेज को कम करने का क्या तरीका है कि कैपेसिटर्स सीरीज में लगे, है ना। तो मतलब एक सिंगल लगा के फायदा नहीं होगा, कम से कम कितने लगाने पड़ेंगे सीरीज में ताकि वोल्टेज 400 से कम आ जाए, 3 लगाने पड़ेंगे, राइट। तो इससे ये समझ आ रहा है कि एक ब्रांच में हमें 3 तो लगाने ही पड़ेंगे, राइट। ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। अब अगर एक ब्रांच में 3 लगाते हैं तो उस ब्रांच की कैपेसिटेंस क्या हो गई, 1/3 हो गई, है ना। टोटल बनानी है 2, तो क्या करोगे आप, ऐसी 6 ब्रांचेस को ऐसे लगा दोगे, राइट। तो इसका मतलब आपको ये कितने 18 कैपेसिटर्स चाहिए। हाँ जी, आगे बचाओ। डी पार्ट ओके बच्चों, इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मतलब
पूरी ऐसी ब्रांच बनाने की क्या जरूरत है? अगर हम कुछ ऐसा कर दें, देखो कि जैसे मान लो एक लगा दिया, और अब मतलब समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट अगर हम बना दें। देखो तो भी ये तो समझ आता है कि जैसे भी कर लो, तीन तो लगाने पड़ेंगे ना। ताकि हर के अक्रॉस आपका उससे कम रहे, मतलब 400 से कम रहे, है ना? तो तीन तो आएंगे ही आएंगे सीरीज में। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि सीरीज में आके तो कैपेसिटेंस कम हो गई, ठीक है? तो मतलब अगर आप इस तरह सोच के भी देखोगे कि अगर आप ये सोचो कि चलो हम बीच वाली ब्रांच में ही लगा दें सारे, और जिसको मिला के बन जाए, ठीक है? तो ट्राई करके देखो बच्चों कि अगर ऐसा कुछ बनाते हैं हम अरेंजमेंट, तो कितने कैपेसिटर्स लगते हैं। बाहर वाले जो दो सीरीज में है उनकी हाफ बन गई। अगर ये जो बीच वाला पूरा अरेंजमेंट है, अगर उसकी हम एक्स मान लें, तो हमारे पास बन गया कि तो ये बन गया हाफ एक्स ओवर एक्स प्लस हाफ। ये अरेंजमेंट शुड बी इक्वल टू टू, है ना? हाँ मैं गलत ही कह रहा हूँ, मतलब होगा ही कैसे, मतलब उससे तो कमी आएगी ना कैपेसिटेंस, अगर सीरीज में लगा रहे हैं तो हर इंडिविजुअल से तो कमी आएगी, तो इसका मतलब हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, राइट? हाँ जी बच्चों आगे। ये बच्चों ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस है ना, इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। देखो क्या करना है आपने, मतलब बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ मतलब इक्विपोटेंशियल टेक्निक जैसा है। देखो आप क्या करोगे, हमने आज इनफैक्ट उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस भी करने थे एक दो, कि आप ना प्लेट्स को नंबर कर दो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है? अब ये कितने कैपेसिटर्स बन गए बच्चों इन चार प्लेट्स से, मतलब एक तरह से तीन कैपेसिटर्स बन गए ना, एक 1 2 वाला, एक 2 3 वाला, एक 3 4 वाला। अब लेट से ये लेफ्ट वाले पॉइंट को ए लेबल कर दो, राइट वाले पॉइंट को बी लेबल कर दो। अब आप बच्चों ऐसे देखो, जैसे जो 1 2 वाला कैपेसिटर है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में है? ए और बी के बीच में, करेक्ट? जो 2 3 वाला कैपेसिटर है वो भी बाय चांस ए और बी के बीच में ही बन रहा है ना? और जो 3 4 वाला है, अगेन वो भी ए और बी वाला ही बन गया।
तो इसमें क्या हो गया, इफेक्टिवली तीनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में आ गए। अंडरस्टूड बच्चों? तो मतलब आपने नंबरिंग करके सर्किट दोबारा बना देना हमेशा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये फिफ्थ भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ऐसे ही करना है। बस इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड प्लेट्स जोड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनको आप ऐसे सोच लो कि वो किसी भी पॉइंट सी से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे अगेन आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो अब 1 2 प्लेट्स किसके बीच में हो गई, बिटवीन ए एंड सम पॉइंट सी। ठीक है ना, 2 3 किसमें हो गई, 2 3 भी हो गई ए और सी के बीच में। और 3 4 हो गई सी और बी के बीच में, राइट। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया, दो पैरेलल एक सीरीज। अंडरस्टूड बच्चों? और कोई क्वेश्चन इसमें? डन। अच्छा बच्चों एक बस ये नोट कर लो, अभी जैसे आज की क्लास में मैं होमवर्क दूंगा, तो फिलहाल 7th क्वेश्चन नहीं करना आपने। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 सी पार्ट, ये 6th क्वेश्चन में बच्चों इस तरह से हो रहा होगा। सबसे नीचे वाला बैटरी है, वो कैपेसिटर नहीं है। और कोई क्वेश्चन देखो बच्चों। आशीष वो भी करना है हमने आज जो आप कह रहे हो ना। हाँ बच्चों देखो, और कोई क्वेश्चन? देखिए 22nd बी पार्ट में माइक्रो होगा, आगे बच्चों।
ये प्लेट्स वाले अगर बाई चांस नहीं हुए तो जैसे मैंने समझाया बच्चों, ठीक है, उस तरह से हो जाएंगे। ठीक है जी, बड़े आगे। ओके बच्चों, तो जैसे हम बच्चों लास्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहे थे, मान लो उसके जैसा एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऐसे बच्चों तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और मान लेते हैं कि वोल्टेजेस ये हैं 4 वोल्ट, लेट्स से 5 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमने ज्वाइन कर दिया। तो फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। तो मेथड आप सबको पता है, ट्राई करो। इसको बच्चों दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं कि चार्ज फ्लो इन द सर्किट ना, वो तो ऑब्वियसली एक से दूसरा निकल ही आएगा।
हमें तो चेक अगेन, मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और नहीं चाहिए? आई वॉज वेटिंग कि कोई तो पूछे। पोलैरिटीज तो चाहिए आपको, फिर कैसे सॉल्व कर रहे थे अभी तक? चलो अब करो सॉल्व। विदुषी गलत है, निष्ठा ठीक है।
ये कोई खास मुश्किल तो नहीं है, सिंगल सिंगल हमें तो ठीक है। हाँ साहिल, कैलकुलेशन मिस्टेक, गलत है। रथ गलत है यार, एक तो इक्वेशन लिखनी है, उसमें कैसे गलत कर सकते हो। कौशिक ठीक है, गुड। वरुण आया नहीं आपका अभी तक? करण नूर, ठीक था आपका एक पार्ट का गलत है। लव था ठीक है, गुड। गुड साहिल ठीक है। हाँ देखो बच्चों, हम ऐसे एक्स चार्ज फ्लो करवा देते हैं, ठीक है? तो बताओ, जो ये सबसे नीचे वाला कैपेसिटर है उस पे चार्ज था कितना पहले? टू, उससे एक्स निकल गया।
उस पे कितना बचा चार्ज, 2 माइनस एक्स। जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उस पे कितना चार्ज है, 8। उस पे एक्स आ रहा है, कितना हो गया चार्ज, 8 प्लस एक्स। जो अगला कैपेसिटर है उस पे चार्ज है कितना, 15। लेकिन यहाँ ध्यान रखना उससे एक्स निकल रहा है, हमने चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट से देखना है। तो भाई इस पे कितना चार्ज हो गया, 15 माइनस एक्स। क्या ये समझ आया सबको कैसे लिखा है मैंने? बस तो अब इसके आगे तो फिर चौफी लिखनी है अपने को। इसको सिंपलीफाई करो, आई थिंक यू विल गेट एक्स एज 18/11 आता है ना शायद, बच्चों तो इससे आपके पास चार्जेस आ गए सारे कैपेसिटर्स में। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट प्लीज आस्क। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसमें ऐसा क्यों है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में है, तो इनके ऊपर फाइनल चार्जेस सेम क्यों नहीं है? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि चार्ज सेम हो। कंडीशन क्या होती है सीरीज में, चार्ज फ्लोन सेम होना चाहिए, राइट? तो अगर तो इनिशियली अनचार्ज्ड होंगे तो फिर फाइनल चार्ज सेम हो जाएगा, अगर इनिशियली कुछ चार्ज होगा तो फाइनल चार्ज अलग भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिमिलर टू जो भी हमने डिस्कस किया था। Let's say there are 4 parallel plates like this.
ऐसे वायर्स कनेक्टेड हैं तो फाइंड सी ए बी बच्चों. गुड विदुषी. ठीक है वरुण, नमित करण नूर ठीक है, निष्ठा ठीक है. चलो सारे आंसर करो बच्चों, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना. जसगीत ठीक है. आशीष ठीक है, नास्ता ठीक है, राइट बच्चों. तो इसका आंसर आ गया आपका सबका फाइव एप्सिलॉन ओके बाय टू. अब बच्चों इसी क्वेश्चन का अगर हम बी पार्ट बनाएं देखो इस तरह से.
अच्छा अलग अलग आंसर आ रहे हैं अभी तक सबके। जो कर रहे हो ट्राई है बता दूं। वैसे तो जब आपने मॉडिफाइड सर्किट बनाई लिया कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो उससे चार्जेस भी निकल आएंगे। और तो कुछ है ही नहीं। देखो चो कैसे करेंगे हम। अगेन वी स्टार्ट विद नंबरिंग द प्लेट्स। तो पहला कैपेसिटर 1 2 किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। वन ए की तरफ है, टू बी की तरफ है और इसकी कैपेसिटेंस है क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दूसरा कैपेसिटर 2 3 है बी और ए के बीच में ही। और इसकी कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2 डी। और तीसरा 3 4 है ए और बी के बीच में। और इसकी कैपेसिटेंस भी है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी।
राइट बचाओ, और आपका अब ये अरेंजमेंट एक ऐसे टेन वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट हो गए। राइट, तो अब अगर हम इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें तो वो तीनों पैरेलल में आ गए। तो ये बन गया 5 epsilon whatever 2D। राइट, तो इसका मतलब बच्चों बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी डेफिनेटली हाउ मच बच्चों, या बैटरी से भी हमें क्या करना है, सीधा ही हम तो हर कैपेसिटर के ऊपर निकाल देते हैं भाई। ये जो 3-4 वाला कैपेसिटर है इस पे किस हिसाब से आएगा, इधर लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस, और ये कितना आएगा, टेन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। राइट, जो 3-2 वाला है उस पर कितना आ जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस 5 epsilon naught A/D। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, सीवी करके। और इधर साइड प्लस इस साइड माइनस, हाँ बच्चों इस फिगर में बताओ कोई डाउट। ये क्लियर हो गया सबको बच्चों, अब इसके इक्विवेलेंट अगर हमें प्लेट्स पे दिखाना हो अब इसको ऊपर से हम देखते जाते हैं बच्चों, जैसे देखो जो 1-2 प्लेट है बच्चों उसमें कितना चार्ज है, 10 epsilon naught A/D। तो 1-2 कैपेसिटर वो यहाँ पे कैसे शो होगा, लाइक दिस, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। तो ये हो गया टेन एप्सिलॉन नॉट एबीडी, इस साइड हो गया -10 एप्सिलॉन नॉट एबीडी। अब देखो जो 2 की नीचे वाली साइड है वो कहाँ पे यूज हो रही है, जहां पे 2-3 कैपेसिटर बन रहा है ना। तो बताओ बच्चों 2-3 कैपेसिटर में 2 वाली साइड पे कितना चार्ज है, ध्यान से देख के बताओ। ट्वेंटी
प्लस या माइनस बच्चों? आंसर करो सारे। क्या ना सबको माइनस समझ आ गया ना, तो ये इस साइड पे भी चार्ज माइनस आएगा और हो गया माइनस फाइव एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और इस साइड तो फिर उसको ऑपोजिट आ ही गया फाइव एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ऐसी। अब जो सबसे नीचे वाला है 3-4 कैपेसिटर, 3-4 में 3 वाली साइड प्लस है, 4 वाली साइड माइनस है, तो इस साइड प्लस इस साइड माइनस, ये कितना चार्ज हो गया 10 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और बच्चों सबसे आउटर मोस्ट साइड्स पे कितना आएगा? जीरो। क्यों बच्चों? वही प्लेट थ्योरी, टोटल चार्ज तो जीरो ही है ना, तो आउटर मोस्ट साइड्स तो क्यू टोटल बाय टू ही आना होता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता था कि फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो आप वो भी बता सकते ना कि 1, 2, 3, 4 प्लेट्स पे, हर प्लेट पे कितना कितना चार्ज है। तो बच्चों क्वेश्चन आ गया समझ सबको? आशीष आप इसी की बात कर रहे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला? ठीक है बच्चों, तो ये अपना बच्चों ये वाला पार्ट खत्म हो गया कब सर्किट्स वाला। अच्छा बच्चों जस्ट वन लास्ट थिंग, वैसे तो ये ऑब्वियस है, मतलब अगर बच्चों कोई भी एक सर्किट है जिसमें बैटरी है तो उसमें एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे आप? मतलब वैसे तो हम सीधा यू से निकाल देते थे ना, अगर बैटरी भी लगी हुई है तो रिलेशन क्या बनेगा? तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम सोचें कि बैटरी ने जो वर्क किया वो कहाँ जाएगा, या तो सर्किट के डेल्टा यू में जाना चाहिए या एनर्जी लॉस में जाना चाहिए। Isn't it?
ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, चलो अब बच्चों आपने नेक्स्ट टाइम के लिए ई पार्ट कर लेना है, ठीक है? और 3A में से सी डी ई ये तीनों पार्ट्स कर लेना, ठीक है जी? चलो ये बच्चों अभी पढ़ाई वाला दैट्स इट, मैं एक्सरसाइज 3B डिस्कस करने लगा हूँ जिन जिन ने मतलब करी हुई है, दे कैन स्टे बैक। हाँ जी बच्चों बताओ 3B में। फ्यूज बच्चों क्या होता है? बेसिकली फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जिसकी एक करंट रेटिंग होती है, ठीक है? मतलब कि वो जैसे अगर लिखा है कि 10 एम्पेयर्स, तो इसका मतलब वो 10 एम्पेयर्स के बियॉन्ड करंट को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ठीक है? तो देखो अगर हम इसको ऐसे पैरेलल में लगा देंगे, हमें नहीं पता वो क्या डिवाइस है, जो भी डिवाइस है, ठीक है, बट हैं एक जैसे, तो दोनों के अक्रॉस 10-10 जा सकता है, तो इसका मतलब यहाँ से 20 आ सकता है, तो ए ऑप्शन ठीक हो गई, है ना? ऐसे अगर हम आगे देखें तो बी गलत हो गई, सीरीज में तो दोनों के अक्रॉस सेम करंट ही जाएगा तो वो 10 ही रह जाएगा, तो इसलिए ए और सी आंसर्स आ जाएंगे, राइट? सेवेंथ क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली मतलब मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है, तो ये वो आशीष वो वाला केस नहीं हुआ, फिलामेंट वाला, ये तो सिंपल कंडक्टर के थ्रू करंट वाली बात ही है। तो हमें पता है कि इस केस में क्या होता है कि करंट तो सेम आएगा, करंट डेंसिटी क्यू पे ज्यादा है, राइट? तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज्यादा है, क्यू पे, है ना? और इसका मतलब क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हुई,
नहीं, हम एक कंडक्टर में तो हमेशा ये मानते ही है ना कि स्टेडी स्टेट में करंट सेम होता है, और हम स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करते हैं हमेशा। तो बाकी पार्ट्स तो हो ही जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, बी ऑप्शन में भी इक्वल टू ही होगा ना, देखो बच्चों ये तो हमें दिख ही रहा है ना कि अगर ए बी ले लें, बी डी ले लें, सी डी ले लें, ए सी ले लें, उनमें तो सेम ही होगा जो चार एजेस हैं। है ना? अब आपको ध्यान से ये देखना है कि क्या मतलब जो डायगोनल्स वाला है बीसी और एडी, क्या उसके अक्रॉस भी सेम ही बनता है या कुछ अलग बनता है। अच्छा ये फिर ए और बी ऑप्शंस तो सेम ही हो गई है ना। तो चलो एनीवेज ये बताओ बच्चों क्या लग रहा है कि सबके अक्रॉस सेम होगा या अलग होगा डायगोनल और स्ट्रेट के बीच में, और क्या तरीका होगा। मतलब बेसिकली करो क्या बच्चों आप, सी थोड़ा सा ना उस टाइप से मतलब फोल्डिंग अनफोल्डिंग टाइप्स करके बन जाएगा कि जैसे अब मान लो हमें बी डी के लिए निकालनी है बच्चों, तो सॉरी बी सी के लिए, तो जस्ट इमेजिन कि आप ए वाले पार्ट को दूसरी साइड ले गए डायगनल के, ठीक है। मतलब जैसे देखो ये मैंने बनाई साइड
बीसी ठीक है, ये सी से डी आर है ही, बी से डी आर है, ये मतलब इधर को चला गया ऐसे कुछ। ये चीज बन जाएगी ना बच्चे, हाँ लिखा टेट्राहेड्रॉन हुआ है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि बीच वाला पॉइंट थोड़ा आउट ऑफ प्लेन होगा। अच्छा नहीं, डी वाला पॉइंट, बेसिकली फिगर से डी वाला पॉइंट लग रहा है कि आउट ऑफ प्लेन है। अच्छा वो थोड़ा फिगर बच्चों गड़बड़ बना हुआ है। समझ गया बच्चों कि डी आउट ऑफ प्लेन है, एबीसी ट्रायंगल है, डी आउट ऑफ प्लेन है। तो फिर तो आप कोई भी एज ले लो, हर एज के अबाउट सेम ही आएगा है ना, फिर तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक फिर तो आप टेट्राहेड्रन को जैसे मर्जी रख दो ना, कोई भी बेस बना दो, कोई भी हाइट बना दो, वो हर जगह हर तरीके से सेम ही है बात। इसका आंसर क्या दिया हुआ है बच्चों? ठीक है, तो मतलब ये तो हो ही गया, अगर इक्वल है तो ए और डी तो हो ही गया, फिर इसको कुछ और बना दो, बी ऑप्शन को ऐसे कुछ ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों, नाइन्थ क्लियर हो गया सबको? आगे आगे बच्चों, इलेवेंथ का आंसर ठीक है बच्चों? आगे ठीक कॉम्प्रिहेंशन वन का फिफ्थ, क्रिटिकल करंट फॉर द बर्ड इज 0.1, फाइंड द मैक्सिमम पावर एट 11 kV be transmitted at point A so that the bird may not get shock. Assume that distance between the feet is 10 centimeter.
इसमें बच्चों जैसे जैसे बर्ड का क्रिटिकल करंट 0.1 हो गया, कि मतलब बर्ड के थ्रू 0.1 जा रहा है, तो इसका मतलब मेन ब्रांच में कितना करंट हुआ? ये निकल आएगा मेन ब्रांच का करंट, टेन पॉइंट वन। तो करंट पता है, वोल्टेज हमें बता दी 11 किलो वोल्ट, तो पावर क्या हो गई 11 × 10.1। ये करंट उससे आया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन से, कि मतलब आपको वायर की रेजिस्टेंस पता है 10 सेंटीमीटर की, ऊपर बर्ड की रेजिस्टेंस पता है, तो अगर आपको पता है कि बर्ड के थ्रू 0.1 जाना है, तो आप ये बता दोगे कि यहाँ से कितना जा रहा है, कि मतलब टोटल कितना आ रहा होगा। राइट, IR2। हाँ, इसमें एक इशू है, यस, वो सेकंड क्वेश्चन का डाटा यूज होता है। ना तभी हो पाता है। आगे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन 3 का 9th। तो देखो वो तो बैलेंस पॉइंट ही है, तो उसके थ्रू तो करंट जा ही नहीं रहा। बट क्या अब ये बच्चों व्हीटस्टोन वाली सिचुएशन है? एक डिफरेंस आ गया है ना, कि वो बैटरी लग गई, तो उस कारण से वोल्टेज की टर्म आएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, सीधा किरचॉफ लगा दो ना। आपको ये पता चल गया कि बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, तो आप किरचॉफ तो लगा ही सकते हो, कि मतलब यहां से करंट आई। मतलब इधर एक्स गया, इधर आई माइनस एक्स गया, तो ये आपके 3 लूप्स बन जाएंगे बेसिकली। राइट, तो उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकलेगा। इंटीजर में कौन सा कह रहे थे? 11th।
अच्छा भाई, आपकी क्लास है 6 बजे? अच्छा चलो, फिर तो कर सकते हैं ना अभी हम आराम से। ओके, 11th क्वेश्चन देखो एक बार बच्चों। अ मीटर वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। ऐसे बन गया कुछ। फिर अ सर्टेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। द रीडिंग ऑफ द लैटर डिक्रीजेस टू 2 times, whereas the reading of the meter increases to same number of times. तो बच्चों बहुत ध्यान से लैंग्वेज को समझना है। मान लो बच्चों जो इनिशियल करंट फ्लो कर रहा था, let us say that was I, उसको मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। बाद में बच्चों ये जब R लगाया, इसको ब्लू से दिखा देता हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें कहा है कि अमीटर की रीडिंग उतने टाइम्स डिक्रीज हो गई, मतलब कि अब बाद में जो करंट है वो आई बाय टू बन गया, और नहीं 2i, और हमें कहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 से कम हो गई। मतलब बच्चों इसको हम कैसे बोलेंगे कि अगर हम कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 से कम हो गई बच्चों, डज इट मीन कि, देखो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कि अगर पहले तो बच्चों वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनटू करंट आई जो था, अगर वो कुछ वी था, तो अब बाद में ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन वी आर, मैं वोल्ट मीटर को वी से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस को उसकी, या आर वी बोल दो, चलो आर वी इंटू आई इज इक्वल टू वी, और फिर आर वी इंटू स्मॉल आर ओवर आर वी प्लस आर इंटू 2i इज इक्वल टू वी बाय 2, राइट बच्चों? तो हमें बताना है फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग इन वोल्ट्स आफ्टर द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमें बेसिकली वी बाय 2 की वैल्यू बतानी। तो एक तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, व्हाट डू वी गेट? ये बनता है बच्चों, देखो यही बनेगा बच्चों। ओके, और दूसरी हमारी जो इक्वेशन बनेगी
वो हमारी बन रही है इस टाइप की कुछ की सिक्स अपॉन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आई एंड सिक्स अपॉन आर ए प्लस. अब बच्चों उस पार्ट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन जाती है आरबी की टर्म्स में? ये बाय फोर आ जाती है बच्चों. बाय फोर ही आएगी. ये बन गया टू आई. अगेन इन दोनों को डिवाइड कर दो तो इससे क्या रिलेशन बनता है बच्चों आर ए आर बी में? So we get RV is equal to 2RA और वो 3R के इक्वल तो है ही. तो बस हो गया अब है ना. आर ए की वैल्यू पुट कर दो. आर ए की वैल्यू बन गई आर वी बाय टू. मतलब आई निकल आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ आर वी. इसको यहाँ पुट कर दो और उससे वी बाय टू निकाल लो. आ गया बच्चों समझ? बच्चों यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा है इस पूरे मॉड्यूल में. और मतलब करना तो फिर वही है कि फाइनली तो सर्किट ही सॉल्व करना है. नथिंग ग्रेट बट मतलब चलो एटलीस्ट इतना तो है कि एकदम देख के नहीं पता चलता है कि क्या करना है. इसको सॉल्व करते हैं मतलब आंसर टू ही आ रहा है मतलब पीछे वन गया. हाँ वो हो सकता है आंसर इसका गलत दिया हो में भी टू दी टू आ रहा है बच्चों. ठीक है हाँ बच्चों और कोई क्वेश्चन? एक इंटीजर टाइप का सेकंड नंबर बता दो. सेकंड लेंथ दे दी एरिया दे दिया करंट दे दिया सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेगा न्यूटन. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दी हुई है. बेसिकली बच्चों देखो बेसिकली आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है क्यू टोटल इनटू ई. ये चीज निकालनी है आपने. अब क्यू टोटल कैसे आएगा? एक पे तो चार्ज ई है एक आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ठीक है, लेट से मैं उसको स्मॉल एन मानता हूँ, इनटू वॉल्यूम तो है ही आपके पास, करेक्ट, ये वॉल्यूम है वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे निकल आएगी. आगे समझ बच्चों? और कौन सा कह रहे थे इसका 8th क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. इसमें तो ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, तीसरे के साथ, राइट, फिर इधर से ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपस में सीरीज में हो गया, फिर वो ये वाली वायर के साथ पैरेलल में आ गया, फिर तीनों सीरीज में, और वो ये नीचे वाली ब्रांच के साथ पैरेलल में. सिंपल सीरीज पैरेलल ही है. ये सेकंड क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज करके कि बर्ड में अगर बर्ड की रेजिस्टेंस 10 है और उसके फीट में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग आपको पता चल गया कि जो नीचे वाली वायर में रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई, मतलब आपकी ये सिचुएशन बन गई ना. देखो बर्ड की रेजिस्टेंस 10 है, उससे करंट पॉइंट बन जा रहा है, ये आई ढूंढना है, ये जो नीचे वाली लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 0.1 बन गई क्या रेजिस्टेंस, तो बस वो आई आर टू और आर वन प्लस आर टू वाला क्वेश्चन में टोटल चार्ज पहले ही दिया हुआ कि 1 एम्पीयर चार्ज ही जा रहा है वायर में. कहाँ दिया हुआ है? पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है. नहीं, ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई, राइट. अब वो क्वेश्चन ही है ना, देखो अगर आप, उन्होंने एक सिचुएशन के हिसाब से इसको दे दिया, अगर आप देखो तो 5th क्वेश्चन ही है ना कि कितना पावर ट्रांसमिट की जा सकती है अगर आपने एक बर्ड बिठा दी, तो लिमिट हो गया ना उसके हिसाब से. कॉम्प्रिहेंशन टू में देखो क्या कर रहे हैं, देखो सिंपली वो ग्राफ दिया हुआ है, तो वो ग्राफ से आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आ गए, वोल्टेज वर्सेस करंट, ठीक है, अलोंग विद डायरेक्शन. तो उन पॉइंट्स को यूज करके बस उससे निकल आएगा, मतलब है सिंपल किरचॉफ ही और कुछ नहीं है, और ग्राफ का काम भी सिर्फ यह है कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पता चल गए. ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्या किया हमने, ई टू प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ ई टू. ठीक है, तो ई टू को प्लॉट किया, और ये क्या है दोनों टू द टू बैटरीज बट नॉट मार्क्ड विच प्लॉट करिस्पॉन्ड्स टू विच. तो आप उसका बेस्ट तरीका क्या है चेक करने का, कि एक बार E2 को जीरो पुट करके देख लो, मतलब E2 की वैल्यू जब जीरो है उस टाइम पे करंट, एक में प्लस हो गया,
एक में माइनस होगा है ना, डायरेक्शन का उन्होंने कुछ लिखा है कैसे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ बैटरीज ईएमएफ। तो सोचो आप अगर ई टू जीरो है तो करंट सिर्फ ई वन से आएगा, तो उस टाइम पे ई टू वाली ब्रांच में करंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे आपको पता चल गया कि ये वाला जो है ये ई टू है, ये वाला नीचे वाला ई वन है। राइट, हाँ बच्चों और कोई क्वेश्चन? बच्चो इलेवेंथ में वो कर दिया था ना कि मतलब कि उसका हाफ कर दिया था ना, हाफ करके टू आता है ना। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, डन। तो ये बच्चों बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है करंट, है ना, कुछ भी नहीं होता, सिंपल सर्किट्स ही हैं। मतलब अगर मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा तो वो यही हो सकता है कि सर्किट मुश्किल कर दिया, ठीक है ना, मतलब जिसमें आपको सॉल्विंग करनी पड़ जाए। कंसेप्चुअली तो कभी कुछ टफ आ ही नहीं सकता इसमें, राइट। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।